क्या लग रहा है कितनी सीटें जीतेगी मजलिस महाराष्ट्र में? इंशाल्लाह हमारी उम्मीद तो 10 तक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 10 सीटें आ जाएगी। 10 सीटें औरंगाबाद में एमआईएम आ जाना बस। आज किसको सुनने के लिए आए? आज बड़े अब्बा को सुनने के वास्ते आए, भक्तों के बड़े अब्बा। किसके? भक्तों के बड़े अब्बा। क्या उनका अंगार का गोला सुनने के वास्ते आए हम? वो अंगार है। वैसे तो सब लोग काजी है, लेकिन सबके बाप अगर कोई है तो अकबर साहब ही। आज शेर की दहाड़ होने वाली है औरंगाबाद के अंदर। स्कैन कर रहे हैं। तो भैया प्रोग्राम हो गया है शुरू और लोग आ रहे हैं बहुत भर भर के। वो देखिए आप, मेरे साथ नारा स्टेज जो है वो वहाँ सामने है, उसी के सामने एक मीडिया का सेक्शन है। स्टेज से नारे दराज किए जा रहे हैं। कुछ ही देर में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आएंगे। एमआईएम के चाहने वाले जितने हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये देश जितना दूर हमारा रहा जो काम है वो हम जो लोग जारी रखेंगे, बात करेंगे लोगों से। हमारा भी है, क्या बोलते हैं इसलिए। कहाँ से आए भैया? देवला औरंगाबाद। अच्छा, किसको सुनने के लिए आए आज? अकबर साहब को। अकबर साहब को तो कोई क्या मतलब कुछ खास मोहब्बत उनसे? बहुत मोहब्बत है। तो इस बार क्या लग रहा है औरंगाबाद से जितने मजलिस के कैंडिडेट चुन के आ जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर आएंगे। ऐसे मुद्दे क्या है जनता के? क्या बोले? मुद्दे जनता के, समस्याएं हैं कुछ? आप बहुत कुछ है, मुद्दे का क्या है बताने को तो बहुत मुद्दे है उठाते भी। वो मतलब अकबरुद्दीन साहब, असदुद्दीन साहब अपने कौम के लिए बहुत कुछ करते हैं, और इंतिया जलील साहब भी। हाँ, तो अपने लोगों का क्या है मतलब इनको ही सपोर्ट करना। अब इनके कैसे जो तनवानी की सीट उन्हें वापस ले ले, तो आपने जो है उन्हें भी वापस लेना चाहिए। तो आप खास तौर से आज अकबर साहब को सुनने के लिए आए हैं? जी। क्या लग रहा है, क्या बोलेंगे? वो कुछ बोले, बहुत कुछ बोलेंगे आप। वो आप क्या सुनना चाह रहे हैं? आप क्या उनका अंगार का गोला सुनने के वास्ते आए हम? वो अंगार है, पिस्तौल बहुत मतलब वो बहुत अलग है वो। तो भाई आपकी अंगार सुनने के चक्कर में कंट्रोवर्सी हो गई कोई? तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बैठ जाइए आराम से। हाँ भाई, सामने कहाँ से आए भैया आप लोग? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से? हाँ। किसको सुनने के लिए आए आज? हम अकबर साहब को सुनने के लिए आए। अच्छा, खास उनको सुनने के लिए आए। तो ऐसा वैसे तो सब लोग खासी है, लेकिन सबके बाप अगर कोई है तो अकबर साहब ही। तो ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं आज? वही सुनना चाह रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हर चीज में नाइंसाफी हो रही है ना, बस उसी के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, बस उसी के लिए हमारे तरफ से, हमारे हक में जो बोल रहे हैं उनको सपोर्ट के लिए हम आए। तो क्या लग रहा है मजलिस जीतेगी सारी? इंशाल्लाह अल्लाह साथ है तो बेशक। सारी दुनिया एक तरफ और हमारे अल्लाह की ताकत एक तरफ। ओके, आप देखिए कि लोगों का जो है वो छोटा छोटा जुमावड़ा है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आइए भाई, बात करते हैं लोगों से। क्या नाम भैया? सलीम। कहाँ से आए हैं सलीम भाई? मिसरवाड़ी। कहाँ से? मिसरवाड़ी। मिसरवाड़ी से। तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? अकबर साहब को। अकबर साहब को? जी। तो क्या ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं उनसे? अकबर साहब से हम देश की बात सुनना चाहते हैं। इम्तियाज जलील साहब की कुछ धमाकेदार जो क्या लग रहा है मजलिस जीतेगी महाराष्ट्र में? इंशाल्लाह जीतेंगे ये साल मजलिस। मजलिस ही आने वाली है। खाना वाना खाया आपने? जी। खा लिया? मतलब तैयारी के साथ? तैयारी के साथ। बहुत देर तक बैठने? बहुत देर तक बैठने सुनने के लिए। ऐसे काम क्या करते हैं आप? मैं लेबर काम करता हूँ। बाकी सब ठीक चल रहा है ना? बाकी सब ठीक है। ही लोगों को है, लोगों का बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? इमरान खान। इमरान भाई किसे सुनने के लिए आए आज? यहाँ पे हमारे कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए। ऐसा क्या चाह रहे हैं आज कि किस विषय पे बात करें? जो हमारे भाई तरह तरह के इसमें आके अलग हो जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अच्छा, मतलब मुस्लिम समुदाय में इत्तेहाद चाह रहे हैं आप? जी।
इत्तेहाद के लिए हमारे साहब भी यहाँ पे आए हुए, उसको सुन के अगर सब एक जगह पे जमा होते तो बहुत बड़ी बात है हमारे। वैसे कहाँ से आए आप? हम चिकलडाना। चिकलडाना तो क्या लग रहा है, मजलिस जीतेगी महाराष्ट्र में? इंशाल्लाह भाई, आप लोगों की दुआ करो और जो भाई के जरिए तक का जहाँ तक का आवाज पहुँच रही उनसे भी अदबन गुजारिश है की दुआ करे। एक पढ़ा लिखा आमदार खासदार हमारे को चाहिए औरंगाबाद सिटी के डेवलप के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है। बाकी सब आप लोगों के हाथ में। आपका क्या नाम भैया? मीम आरिफ पठान। आरिफ पठान? यस। वारिस पठान से मिलता जुलता है? वारिस पठान के बहुत बड़े फैन है अपन। हाँ, क्योंकि बंदा बात ही ऐसी करता कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती। आज किसको सुनने के लिए आए? आज बड़े अब्बा को सुनने के वास्ते आए, भक्तों के बड़े अब्बा। किसके? भक्तों के बड़े अब्बा। हाँ, उनको सुनने के वास्ते आए खासतौर से। अच्छा, ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं आज स्टेज से अकबर साहब के मुँह से? मैं ये बात अच्छी है, क्या सुनना चाह रहे हैं? मैं सुनना तो ये चाह रहा हूँ कि अकबर साहब की बात सुन के जो मुसलमान आपस में बैठे हुए वो एक जगह आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जैसा कि अभी अभी मैंने आज ही न्यूज़ देखा क्या पूर्व से जो त्रंबक टूबे ने किसी ने फॉर्म भरा था उद्धव ठाकरे से, उसने वो फॉर्म वापस ले लिया, तो देखा मैंने बीजेपी के अतुल साहब चंद्रकांत खैरे के पैर पड़े शुक्रिया करके। मतलब अब बी टीम कौन है मेरे वही समझ में नहीं आ रही। एमआईएम वालों को बी टीम बोलते हैं, ये आपस में एक दूसरे की बी टीम है और हमको बी टीम बोल रहे, ये कुछ दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली दिख रही मेरे को। तो क्या लग रहा है मजलिस जीतेगी महाराष्ट्र में? इंशाल्लाह कोशिश तो हम पूरी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे जी जान तोड़ के। और खास तौर से इम्तियाज जलील साहब को तो पहुंचाना है हमको विधानसभा में, इंशाल्लाह पूरी जी जान से हम मेहनत करेंगे। अच्छा, क्या चाह रहे हैं उनसे, कौन से मुद्दों पे बात करें वो विधानसभा जाने के बाद? मुस्लिम के जो मुद्दे है, दलित के मुस्लिम के मुद्दे उठाने वाले पहले असद साहब है और दूसरे इम्तियाज जलील साहब है। तुमने देखे होंगे जब लोकसभा में असद साहब जब बात करते थे तो उनके पीछे बैठने के बाद जब इम्तियाज जलील साहब की बात चालू होती थी तो ऐसा लगता था कि हम इम्तियाज जलील साहब को नहीं अकबर साहब को असद साहब को ही सुन रहे, इतना अच्छे वो कहते थे। अरे जर्नलिस्ट है ना यार, वो भी उनका भी तो कुछ पहुंच है ना यार, ऊंचे क्या वो ऐसे लोकल अपने अरे गहरे है कि नहीं? सही बात। शुक्रिया। तस्वीरें खींच रहे हैं, तस्वीरें खींचते हुए लोगों से भी पूछ लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा कलीम। कलीम भाई कहाँ से आए आप? रहमानिया कॉलोनी। अच्छा, तो किसे सुनने के लिए आए हैं आज? अकबर साहब को। अच्छा, खास सुने? खास अकबर साहब के। क्या क्या सुनना चाह रहे हैं आज ऐसा? आप देखो, अकबर साहब जो सुनाएंगे आज इसके बारे में बोलेंगे कि भाई जो है तो अकबर साहब बोलने के आज अकबर साहब को सुनने के वास्ते खास करके आए हैं। अकबर साहब बताएंगे आज जो हुजूर की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही, जो मुसलमानों पर जो जुलूम हो रहे, आज जो गोश्त के नाम पर मारा जा रहा और जो है तो जाम हाँ मुसलमानों को परेशान कर रहे, कई घर गिरा दे रहे, कई इलीगल लॉटरी से दे के जो बता रहे हैं कि भाई ये इलीगल है तोड़ दे रहे, और उसके बाद में जो है तो कई गोश्त के नाम पे कई ट्रेन के अंदर जो है तो मार रहे हैं बुजुर्गों को, बोल रहे इसमें गोश है। ये सब बातें के लिए जो है तो अब अकबर साहब आए, अब ये जो है तो आवाम को बोलेंगे कि भाई ये जो है तो ऐसा हो रहा शरीयत में मदाखलत हो रही, और जो है तो शरीयत पे जो भी बात होती है उसके लिए हर आवाज़ उठाने के वास्ते एक ही है अकबर असद साहब। और कोई भी बात हो रही, कोई भी मुद्दे पे, मुसलमान का मुद्दा हो, कोई भी दलितों का हो, तो सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं असद साहब। तो ये जो तो पूरी पब्लिक को बताएंगे कि भाई जेको जो है तो अपने को अभी वोट देना है, मंजीस को कामयाब करना है, तो इसके लिए जो है तो क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगी मैं महाराष्ट्र में? इंशाल्लाह 10 सीटें आ जाएंगी। 10 सीटें इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया। एक किसके साथ आए हो इधर? किसके साथ आए हो? दोस्त के साथ। क्यों इधर क्यों आए? हम अकबर भाई की बात सुन रहे हैं। बड़े भाई की बात सुन रहे हैं? कौन बड़ा भाई? अकबर भाई। तू जानता उनको? हाँ। तो क्या करेगा सुन के उनको? दिल खुश करना है। क्या करना है? दिल खुश। दिल खुश किसका? क्या नाम भैया? इकबाल भाई। इकबाल भाई कहाँ से?
में आए आप? जालना से। जालना से, तो किसे सुनने के लिए आए हैं? अकबर साहब को। क्या सुनना चाह रहे हैं वैसे? उनका भाषण सुनने को आए। तो वही ऐसे भाषण में क्या चाह रहे हैं कि क्या बोले वो? देखेंगे उनके काम अच्छे हैं औरंगाबाद में। हाँ, इम्तियाज साहब के काम अच्छे हैं यहाँ पे। तो क्या लग रहा है औरंगाबाद में जीतेंगे हम? ये बारे तो करेंगे कोशिश उनके वो लोग इंशाल्लाह। सर खाना हो गया आप लोगों का? खाना हो गया आप लोगों का? सर खड़े हैं आप लोग भी, प्रोग्राम खत्म होने तक खड़े रहेंगे। डेली की ड्यूटी है ना सर? सही है। क्या नाम भैया आपका? सैयद सुल्तान। सुल्तान भाई ऐसे अकेले बैठे हैं? अकेले नहीं, भी आ रहे हैं हमारे लोग और आ रहे हैं। वाह वाह वाह। तो क्या किसको सुनने के लिए आए? हम तो अकबर अवीसी साहब को सुनने को आए हुए। ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं? देखिए अब जो माहौल चल रहा है सिटी में, तो सिटी का माहौल ज़रा पूरा बिगड़े हुए हैं, तब माहौल बनाने के बाद से अकबर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे पार्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। माहौल बनाने के लिए ऐसे मुद्दे क्या हैं जनता के? जनता के मुद्दे तो रोड के है, डेनिस के है, लाइट के है, मगर ये मुद्दे के आस्ते तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। और पढ़ाई वाला जब विधानसभा में जाएगा तो वही करा के लेंगे, भाषण से तो काम नहीं होता। सही बात है। क्या लग रहा है कितनी सीटें जीतेगी मजलिस महाराष्ट्र में? इंशाल्लाह हमारी उम्मीद तो दस तक है इंशाल्लाह। क्या नाम है अंकल आपका? शेख खलील। खलील साहब की आज किसे सुनने के लिए आए हैं आप? वही साहब। तो ऐसे मतलब क्या क्या ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं स्टेज से बताइए ना, वो अभी क्या क्या है? पहली बार आया ना मैं। अच्छा पहली बार आए हैं? इससे पहले कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया? नहीं। कैसे किसके साथ आए हैं वैसे? हम दोनों आए। क्या लग रहा है आज क्या हुआ स्टेज पे? आज तो बहुत बड़ा धमाका है ना विधानसभा के अंदर, जहाँ तक का मुस्लिम समाज का है और महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव का मुद्दा है, तो यकीनन अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत बड़ा धमाका करने वाले, जो कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत के वास्ते एक अनुभव होगा हमारे लिए, जो मुस्लिम समाज का जो जितने भी उम्मीदवार जो महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन दी, तो आज उनके लिए एक प्रॉफिट वाला मुद्दा आने वाला है उनके लिए आज। और जो गुस्ताखे रसूल, जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो मतदान मांगते मुसलमानों को एकजुट करते, आज उनको दिखेगा कि अकबरुद्दीन अवैसी किसके लिए लड़ रहा है, अकबर अवैसी क्या चीज़ है। आज शेर की दहाड़ होने वाली है औरंगाबाद के अंदर। क्या लगता है कि कितने सीटें जीत रहे हैं आप लोग महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के अंदर हम इंशाल्लाह पूरी की पूरी सीट जीत रहे हैं। स्टेज तो मजबूत है ना, बहुत लोग बैठे हुए दिख रहे हैं ऊपर। स्टेज मजबूत हो ना हो, पर हमारा नेता मजबूत है इंशाल्लाह, जरूर हमारा नेता बहुत मजबूत है। हमारे ये जो नेता जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है हक पे लड़ने की हिम्मत रखते हैं, और मोदी साहब के हक में हक डाल के बात करने की हिम्मत रखते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जो भी बिल बनता है उस बिल पे जो है उस लागू होने से पहले जो है पहले आवाज उठा देते हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये संविधान ये गलत कर रहे हैं। तो संविधान के हिसाब से देश चलता है, संविधान के हिसाब से देश चलता है, कोई किसी के इस पे चलता नहीं है, संविधान के हिसाब से चलता है। तो हमारे आजाद साहब जो है आजाद साहबी साहब जो है वो जो पार्लियामेंट में जब खड़े तो है ना, इम्तियाज जलील साहब और आजाद सवीर साहब जब दोनों खड़े थे ना, जब शेर के थे धारते थे वो, तो एक हमारे इम्तियाज अली साहब को ये 2024 में जो हराने की जो कोशिश कराई गई है। हाँ अच्छा, कोशिश कराई गई है? कोशिश बोला तो चारों तरफ से कैंडिडेट खड़े हो गए, 6-7 पार्टियां खड़े हो गए एक एक को हराने के लिए। तो आपको लगता है साजिश है? सुपारी दी गई? ये सुपारी की बात नहीं है, ये सुपारी की बात है। हरक को संविधान में अधिकार, संविधान में अधिकार है सबको खड़े होने का, ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन हमारे औरंगाबाद शहर से इम्तियाज जलील साहब खासदार बन के जाना चाहिए था, ये हमारी एक औरंगाबाद की एक आवाम की एक अरमान थी, खुशी थी इस बात की। पर लेकिन जो है इसमें कुछ ऐसी राजनीति पार्टियां जो उतर गए, जो उसमें जो हमारे इम्तियाज अली साहब को जो है पूरे चारों तरफ से घेर लिए थे,
उस वजह से जो हमारे इम्तियाज अली साहब चंद वोटों से जो है पीछे आना पड़ा। कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं अब, है। अब वो भले लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर भले ही लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर हमारा शेर नहीं गया, पर इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर इम्तियाज जलील ये जरूर विधानसभा के अंदर शेर बन के जाएंगे मजलिस की तरफ से। अरे भाई हरियाणा क्या हुआ, अभी राजवी वोट कर रहे ना, मुसलमान का आदमी कैंडिडेट बन के दलित भाई का आदमी कैंडिडेट बनकर पार्लियामेंट में जाना वो मुनासिब नहीं चाहते हो, वो नहीं चाहते हो। वो दलित का आदमी अगर चले जाएगा, मुसलमान का आदमी चले जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको मालूम है, उनको मालूम है क्या भाई ये इनकी सरकार बन जाएंगी, तो ये दलित भाई को और मुसलमान भाई को ये पीछे रखना चाहते हैं, ये सिर्फ चटाई बिछाने के आस्ते रखना चाहते हैं, ये कुर्सियाँ बिछाने के आस्ते रखना चाहते हैं, ये दलित भाई को भी और मुसलमान भाई को भी। तो इसीलिए जो है ये जितने भी समाज है, हाँ जितने भी समाज के हर समाज का नेता है, हर समाज का नेता है, सिर्फ हमारे दलित भाई का, बिछड़ों का, मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। कोई किसी को भी मार के जा रहा है टप्पो, कोई किसी को कुछ भी बोल के जा रहा है, कोई हमारे दलित भाई को मार रहा है, कोई मुसलमान भाई को मार रहा है, कोई बिछड़ों को मार रहा है, ये क्या है ये? हाँ जो जो हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी किया था, जो हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी किया था, हाँ वो अभी तक उसको अरेस्ट नहीं हुआ। कानून एक है, कानून सबके लिए, कानून एक के लिए नहीं है, पन कायदा जो है, कानून जो है सबके लिए, तो उसको क्यों वो मारा, क्यों क्यों अंदर नहीं डाले? हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करा सामने वाले ने, हाँ हम वो बर्दाश्त नहीं कर देंगे, हम हमारी गर्दन कटा लेंगे एक टाइम पे। अगर तुम मोहब्बत से मांगेंगे तो गर्दन दे देंगे, अगर हमारे नबी के शान में कुछ बोलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उस बात को, उस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो बात कही जाती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कौन बोलता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है? हर पिछड़े समाज की पार्टी है, जिस पर अत्याचार होता, जिससे जिस समाज के ऊपर आती होती, ऐसे हर समाज के लिए काम करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देख सकते हैं कि स्टेज के ऊपर अभी भी कई हिंदू बहने और कई हिंदू भाई हमारे इस पर है। कौन बोलता है कि मुसलमानों की एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए है? मुसलमानों के नहीं, ये जितने भी जो समाज के ऊपर अत्याचार होता, ऐसे सब समाज के लिए काम करने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम। और रही दूसरी बात विधानसभा का, अब विधानसभा इलेक्शन के अंदर जब तक ये महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बनेगी, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग वहां पर समर्थन नहीं करेंगे। ये जो पार्लियामेंट के अंदर जब बिल लगाया था एनआरसी का, तो किसी को पता नहीं था, हिंदुस्तान के अंदर किसी को नहीं पता था ये एनआरसी का बिल ये किस बारे में लाया जा रहा है। ये जो है जब एनआरसी का बिल जो है हमारे आजाद साहब, आजाद आवेदी साहब जो है बिल फाड़े हो, वो बिल को निकाले, फेल करे, हाँ तो तीन तलाक का बिल लेके आए, तीन तलाक के बिल को भी रुका दिए, फिर अको बोट की जगह के बारे में लाए, अको बोट के जगह के बारे में भी जो है आवाज उठाए। कोई कांग्रेस के अंदर इतने हमारे मुसलमान नेता है, हमारे मुसलमान नेता है कांग्रेस में, शिवसेना में, भाजपा में, सब में, पन अखिलेश के पार्टी में भी है, पन लेकिन है ना किसी ने आवाज नहीं उठाया, नहीं सिर्फ एक ही एक शख्स है, एक ही एक शेर है जो ये असद अवीदी साहब जो है वो डायरेक्ट डंके के चोट पे आवाज देते हैं, वो किसी से डरते नहीं, सिवा अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं हूँ, सिवा अल्लाह के सिवा डरते नहीं किसी से। चलिए सही है, आइए और लोगों के साथ चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद खान है। जावेद खान, तो ये मतलब आज प्रोग्राम सुनने आए कि ये सिर्फ ठेला लगाने? नहीं, दोनों काम करते हैं हमारा, दोनों, हाँ दोनों चलता है, फायदे में तो आप हैं इसलिए। नहीं, जमाम का फायदा रहता है इसलिए, हमारा फायदा नहीं रहता है। कुछ पूछ रहे हैं दस का, तो ऐसे मतलब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मैम को? एमएम को कैसा है, हमारे देश का जो औरंगाबाद शहर का नाम है वो मशहूर होता है। और लोग बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं भैया आप? औरंगाबाद। औरंगाबाद से तो इतना दूर क्यों बैठे हैं? अभी साहब आ रहे हैं, अभी उसके वास्ते बैठे हैं। अच्छा, तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? हम अकबर साहब को। ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं आज? वो जो बोलेंगे दिख जाएंगे आपको भाई। क्या लग रहा है, एमआईएम जीतेगी औरंगाबाद में इंशाल्लाह?
जीतेंगे। बाकी सब ठीक चल रहा है ना? ठीक है ठीक है। इतना दूर क्यों बैठे, नजदीक बैठते हो उधर? ये हमारे भाई के पैर में दर्द था थोड़ा। अच्छा आप, आपके पैर में दर्द है? आए प्रोग्राम देखने के लिए? फिर आपकी मोहब्बत देखने आए? आपकी मोहब्बत में आए हो फिर? अच्छा चलिए भाई सही है। विधानसभा चुनाव के कुछ बड़े मुद्दे हैं महाराष्ट्र में। पहला मुद्दा ये तो कि मजलिस ने महाविकास अघाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया था और वहाँ से कुछ जवाब मिला नहीं। उसके बाद इम्तियाज जलील साहब ने हमने एक इंटरव्यू में पूछा भी था कि क्या डिस्कशन हुआ था, तो बोला उधर से तो जवाब आया नहीं कुछ। अब सबसे कम सीटों पे MIM चुनाव लड़ेगी और सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट उन्होंने कहा है कि MIM का रहेगा महाराष्ट्र में। दो स्टार कैंपेनर रहेंगे, एक असदुद्दीन ओवैसी हैं और दूसरे अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। ऑलरेडी चुनावी मुहिम का आज से जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा MIM का। देखते हैं क्या हालात, तुम क्या लगता है आपको कितने सीटें जीतेगी MIM? कितने क्या लग रहा है कितने सीटें जीतेगी MIM? अरे भाई औरंगाबाद में MIM आ जाना बस बस, बाकी महाराष्ट्र का कुछ भी हो वो चलते रहेंगे, वो सब तरह वैसे चलेंगे, सब सोचेंगे वही, सब वही सोचेंगे हमारे पास MIM आया है ना। इंशाल्लाह पर यहाँ की दोनों सीट आएंगी इंशाल्लाह। सही है। चलिए खैर काफी लोगों से बात कर चुके हैं हम लोग। आप लोग एक चीज कर सकते हैं, फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हाँ भाई सब्सक्राइब फॉलो शेयर ही कहने दे, सब्सक्राइब ही कहने दे, कर लीजिए। कभी कभी पीठ में दर्द होता है, कभी गर्दन में दर्द होता है, इतना ट्रैवल करना पड़ता है, बदले में आपका सपोर्ट ही नहीं मिलता है कैमरामैन जैद, नहीं मिलता ना, बड़ी दुविधा है। हाँ दुविधा है। खैर कर लीजिए सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और पुराने एपिसोड्स देख लीजिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, देखते हैं अभी क्या क्या होगा प्रोग्राम में। स्पीच वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए हमारा एक साथी ऑलरेडी वहाँ स्टेज पे मौजूद है, तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आज जो कुछ कहेंगे वो तो चैनल पे आ ही जाएगा। हैं मिलते हैं फिर, टाटा टाटा।